अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि आप सभी की भारी मांग पर हमने आरंभ किया है भविष्य मालिका के 10वें सीजन का, तो आज के विशेष एपिसोड में देखिए कल्कि अवतार के प्रकट होने से संबंधित कुछ ऐसी घटनाओं की जानकारी, जिससे कि आपको ये अनुमान लगेगा कि कल्कि का अवतार कहाँ और किसके पास होने वाला है। भविष्य मालिका के सेतुखंड में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कल्कि भगवान का जन्म संबलपुर ग्राम के विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर होगा। इस संबंध में श्रीमद् भागवत एवं विष्णु पुराण में भी कुछ ऐसा ही वर्णन प्राप्त होता है। महर्षि वेदव्यास के संस्कृत महाभारत के बाण पर्व में भी जो विवरण दिया गया है वो भी इसी बात की पुष्टि करता है कि भगवान का जन्म विष्णु यश के घर पर ही होगा। जैसे इसके इस श्लोक को देखें कि कल्कि विष्णु यशनम द्वितीय कला प्रचोदिता उत्पदेते महावीर महावृद्धि माघ संभाथा संबल ग्रामे ब्राह्मण बसते शुभे। इसके अलावा देवी भागवत में विष्णु यशा का नाम है, जबकि गरुड़ पुराण में संबल नामक गांव का वर्णन प्राप्त होता है। ओडिशा के संभागरों ने अपनी मलिका में संबल नामक इस गांव में विष्णु यशा के घर में भगवान विष्णु के रूप में भगवान के प्रकट होने का उल्लेख किया है। महापुरुष अच्युतानंद जी स्वयं भविष्य मालिका की 7वीं पटिका कल्कि कल्प पर भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। यही बात उनके एक अन्य 13वें जन्म सरस में भी कही गई है। उदाहरण के लिए संबल गांव में विष्णु यशा के घर भगवान का जन्म होगा। भगवान स्वयं श्री जाजंग में सुधर्मा सभा का प्रचार करेंगे। अच्युतानंद की गुरु भक्ति गीता में भी इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि गया में संबल नगर विष्णु शर्मा का घर जन्मिन तपस्या चरला चक्रधा की सदर जामा तकदा मदन की एक और अप्रकाशित श्रृंखला में भी यही बात कही गई है कि यदि हम योग निद्रा तोड़ेंगे तो दोबारा हमारा जन्म होगा। अग्निहोत्र ब्रज शर्मा फिर से पंचसखा को अपने साथ ले जाएंगे। मदिरा बाकरों ने इस स्थान को प्रजनन स्थल के रूप में भी स्वीकार किया है। जाजपुर को शास्त्रों में हरिहर का क्षेत्र और नौगया के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जब कार्तिकेय ने एक बार भगवान शिव के एक महान भक्त नंदिकेश्वर से पूछा कि भगवान शिव और देवी शक्ति का परम क्षेत्र भारत की भूमि में कहां पर स्थित है, तो उन्होंने बताया कि यह विराजा तितुप था। इस क्षेत्र का नाम अविमुक्त क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहां ईशानेश्वर के रूप में हारा और बिरजा के रूप में गौरी एक साथ निवास करते हैं। दूसरे शब्दों में सबसे पवित्र क्षेत्र पिनाक पाणी शिव देवी गौरी और अन्य से भरा हुआ है, देव जनार्दन ने सजाया है। कपिल संहिता में विरजापीठ को नवगया कहा गया है। इस नवगया क्षेत्र में यदि आप अपने पितरों का पिंडदान करते हैं तो इससे आपके कुल के 21 पुरुष और स्त्री सीधे स्वर्ग लोक की यात्रा करेंगे। यही है नवगया क्षेत्र की महिमा। पितृपक्ष में नवगया क्षेत्र में बहुत से लोग अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए नवगया क्षेत्र में आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कलयुग में कल्कि भगवान की प्राकट्य स्थली नौगया और हरिहर क्षेत्र ही हो सकती है, जिसे आज के समय में जाजपुर के नाम से जाना जाता है। संभवतः इसी कारण से विभिन्न इतिहासों में जाजपुर को कल्कि के जन्म स्थान के रूप में पहचाना गया है। अब आपको बलराम दास की उस भविष्यवाणी से अवगत कराते हैं जिसमें उन्होंने कल्कि प्रकटीकरण के लिए जाजपुर क्षेत्र को ही सर्वोत्तम स्थान बताया है। जैसा भविष्य मालिका में लिखा है कि हम उन्हीं के शब्दों में आपको बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। लड़के की बात सुनो, जहां हम पैदा हुए थे सुनो, वहां एक ब्राह्मण का घर है, उसका नाम विद्रा पांडा है। जाजपुर नामक गांव उसके परिवार का नाम जाने, अतर पद्मावती नाम। वो यहां तक कहते हैं कि इसी क्षेत्र में होने वाले यज्ञ से ही भगवान का जन्म होगा और वह भी एक ब्राह्मण परिवार में। उन्हीं के शब्दों में देखिए, वो कहते हैं कि मैं चील को अपने साथ ले जाऊंगा और संगीत बजाऊंगा। कपिल संगीता के 6ठे अध्याय में बिरजा क्षेत्र को विशेष रत्न की श्रेणी में रखा गया है। अच्युतानंद के कल्कि कल्प में लिखा है कि बिरजा मंडल क्षीर सिंधु के दक्षिण में है, इसे कमालपुर कहा जाता है। जगन्नाथ दास की कविता में भी लिखा है कि कल्कि का जन्म बिरजा नगर में होगा, हम पद्मावती के गर्भ से जन्म लेंगे। आइए खंडगिरी पर ध्यान में बैठे। बैकृष्ण दास के जीवन चरित्र में भी लिखा है कि कल्कि का जन्म विष्णु शर्मा के यहां ही हुआ है, गोदावरी रोड के पास ही ये स्थान पड़ता है। जाजपुर से अदूर में कमालपुर नामक एक गांव है, उस गांव के पास की जगह का नाम संबल है। पंचसखा के पररबा से कहा जाता है कि यह सांबवा गांव संभवतः जाजपुर के पास महल गांव के किनारे स्थित है। जबकि सारंगदास की चौतीसा में भी लिखा है कि उनका जन्म साजपुर में होगा। कहा जा रहा है कि भगवान कल्कि के जन्म के साथ ही अनेक देवी देवता, महाभारत काल के योद्धा एवं 5 पांडव का भी जन्म हो चुका है।
चूंकि कलिपुरुष की शक्ति चार युगों में अब अधिक हो चुकी है, अतः उसका अंत करने के लिए कल्कि भगवान को कई योद्धाओं और देवी देवताओं की सहायता लेनी पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि बिना चंडी माता के भगवान ये युद्ध कैसे लड़ेंगे, क्योंकि चाहे कंस का वध हो या रावण का, भगवान को दोनों ही वध में माँ चंडी का आशीर्वाद लेना पड़ा था। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या चंडी माता अर्थात माँ दुर्गा का भी जन्म होना है या हो चुका है। तो इस बात का संकेत भी हमें भविष्य मालिका से मिलता है, जिसमें लिखा है कि चंडी का जन्म दक्षिण में होगा। हे सुसान, जितनी देवियां हैं वह जन्म लेगा और दक्षिण की ओर जाएगा, यानी दक्षिण भारत में चंडी माता जन्म ले चुकी हैं और जितनी भी देवियां उनके साथ युद्ध करती हैं वे सभी की सभी जन्म लेकर दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं। किंतु जहां तक कल्कि भगवान के माता पिता का नाम है, तो संकेत रूप में सभी मलिका लेखकों ने उसे अलग अलग प्रकार से बताया है। जैसे विरचित चौतीसा में उनके माता पिता का नाम वासुदेव और यशोवंती के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि कुछ ने अनंत मिश्र और भगवती के रूप में, कुछ ने विप्रपांडा और पद्मावती के रूप में, और कुछ ने अनंत मिश्र और पद्मावती के रूप में। लेकिन कई स्थानों पर भगवान कल्कि के माता पिता का उल्लेख अनंत मिश्र और पद्मावती के रूप में किया गया है। महापुरुष अच्युतानंद ने अपनी ब्रह्मवाटिका में लगभग सभी छुपे हुए तथ्यों को उजागर कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने अपने प्रिय शिष्य रामचंद्र से कहा, अच्युत कहते हैं, हर्षे सुंदर रजत राम। भगवान कल्कि राम का अवतार कठोरा में होगा। वह नीलगिरी छोड़कर संबल गांव में जन्म लेंगे। महेंद्र पर्वत में छिपे योग साधक, माता का नाम पद्मावती, पिता का नाम अनंत है। भगवान शंख चक्र के चिन्ह के साथ उठेंगे। घर के उत्तरी भाग में कदम्ब का वृक्ष है, दक्षिण दिशा में पीपल का वृक्ष है। इस विवरण को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कल्कि भगवान के घर का पता ही बता दिया है। यदि आप भी इस क्षेत्र में निवास करते हैं तो इन लक्षणों एवं संकेतों के आधार पर आप कल्कि भगवान के घर पहुंच सकते हैं। कल्कि भगवान की खोज में चलाई जा रही इस सीरीज में आप सभी मिलकर कल्कि के प्रकट होने के स्थानों को खोजें, क्योंकि उसके बिना इस सीरीज का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इस बीच हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि कल्कि के अवतार में कई कल्कि आपको सोशल मीडिया के मंच पर भी मिल जाएंगे, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, गुड़गांव, यूपी, बिहार, बंगाल तक के लोग स्वयं को कल्कि बता रहे हैं। जबकि हमारा मानना है कि कल्कि का परिचय स्वयं कल्कि के द्वारा किए गए कार्य से मिलेगा। वह सूर्य की भांति चमकेंगे और उनका प्रकाश हर स्थान पर पहुंचेगा। स्वयं कल्कि पुराण में ये बात वर्णित है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो वे गंजम के महेंद्र पर्वत पर जाकर चिरंजीवी परशुराम से समस्त धर्मशास्त्र सीखेंगे और तलवार प्राप्त करेंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस समय गंजम के महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम विराजमान है और इसी स्थान पर भगवान की शिक्षा दीक्षा चल रही है, क्योंकि यदि कल्कि का अवतार हो चुका है तो इसके अनुसार उन्हें भी वर्तमान समय में महेंद्र पर्वत पर या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में देखा जा सकेगा, किंतु ये अवसर तो किसी भक्त या साधक को ही उपलब्ध होगा। इसी पुराण में यहां तक लिखा है कि भगवान की दीक्षा अश्वत्थ वृक्ष के पास चल रही है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि परशुराम का आश्रम अश्वत्थ वृक्ष के आसपास ही होगा या फिर उनके आश्रम में ये वृक्ष लगा होगा। मलिका में यह भी लिखा है कि उदय भक्त भगवान को पहचान लेंगे। हमने संकेत समझाते हुए कहा इसे अपने दिमाग में रखो। इसमें यह भी लिखा है कि भगवान का जन्म दूसरे माह वैशाख में होगा। उनकी कुंडली में कर्क राशि शुक्र के पंचम भाव में होगी, बृहस्पति शनि के चौथे घर में होगा, रवि चंद्रमा और मंगल उच्च रहेंगे एवं ये ग्रह शुभ स्थान पर होगा एवं उसकी सभी दृष्टि भी शुभ होगी। अब भगवान अकेले तो जन्म लेंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ बलभद्र भैया का भी जन्म होगा, क्योंकि कलयुग विजय के बाद कलयुग के साम्राज्य के राजा बलभद्र भैया ही होंगे। तो मलिका में बलभद्र के जन्म का भी स्पष्ट विवरण मिल रहा है। इस संदर्भ में महापुरुष अच्युतानंद ने संकेत दिया है कि बलभद्र का जन्म उनकी पत्नी उमा देवी के गर्भ से इटुआ और गोपीनाथ चतरा नामक स्थान पर क्षत्रिय कुल संहिता रोज के नाम पर सुभद्रा देवी से होगा। अब आपको बताते हैं कि कलयुग में जाजपुर क्यों इतना विशिष्ट स्थान बनने वाला है, क्योंकि एक ओर तो ये स्थान भगवान कल्कि के प्रकट होने के कारण पहले ही प्रसिद्ध हो चुका है, दूसरी बात यह है कि इसी जाजपुर नामक स्थान को धरती के सबसे प्राचीन भूखंड के रूप में भी जाना जाता है। कपिल संगीता के 14वें और 15वें श्लोक में कहा गया है, पार्वती क्षेत्र भारत के क्षेत्रों में प्रथम है और इस क्षेत्र में भक्तों के लाभ के लिए ब्रह्म रूपदना पार्वती बिरजा नाम से विद्यमान है। इसी प्रकार आचार्य प्रबोध चंद्र बागजी द्वारा संपादित पेश पोथी में जाजपुर पट्टन तथा जज नगरी शब्दों का प्रयोग हुआ है,
तथा प्राचीन शक्तिपीठ निदर्शन इसी क्षेत्र में पाया जाता है। भित्ति चित्रकारों के अनुसार शक्ति की पूजा की दृष्टि से हिलुजा दुर्गा की प्रतिमा सबसे प्राचीन है और ऐसी मूर्तियां भारत में अब दुर्लभ हैं। जाजपुर के इष्टदेव बिरजा मुरी दो भुजाओं वाले हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें, धन्यवाद, नमस्कार। किंतु जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप उड़िया भाषी हैं और आप उड़िया का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं और आप कार्यक्रम प्रस्तुत करने में इच्छुक हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मलिका भविष्य मालिका के विद्वान हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किंतु दर्शकों, हम आपको इतना स्पष्ट कर दें कि जब आप हमसे इस संबंध में चर्चा करें तो फिर आप ये मत कहें कि हम सामने नहीं आना चाहते हैं या हमारे पास समय का अभाव है। इस तरह की बातें करने से फिर हमें ये लगता है कि आप ये कार्य दबाव में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज ही उड़ीसा से एक महिला दर्शक का फोन आया और उन्होंने ये कहा कि हम ये बातें बहुत गुप्त हैं और हम इसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें नहीं, हमें स्पष्ट रूप से वही दर्शक हमें संपर्क करें जो कि इस संबंध में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें वो अपनी महिमा का बखान कम करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। क्योंकि कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जो कि अपने आप को बहुत दबा करके और छिपा करके रखना चाहते हैं और बहुत ही अपने आप को व्यस्त बताते हैं, तो इस तरह से फिर हमारे कार्यक्रम में बाधा पड़ेगी। हम आपके व्यस्त समय का इस तरह से उपयोग नहीं करना चाहेंगे। यदि आप बहुत व्यस्त रहते हैं तो फिर आप हमसे संपर्क ना करें और वही दर्शक हमसे संपर्क करें जो कि इच्छुक हैं कार्यक्रम प्रस्तुत करने में और जगन्नाथ जी की महिमा को आगे बढ़ाने में इच्छुक हैं, वही हमसे संपर्क करें। कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जो ये कह रहे हैं कि उड़िया से हिंदी में अनुवाद करना एक कठिन कार्य है, तो ऐसे दर्शक हमसे संपर्क ना करें जो कि इच्छुक हों, जिन्हें इस कार्य को आगे बढ़ाना हो, जो जगन्नाथ की भविष्य मलिका को आगे बढ़ाना चाहते हों, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हों, वही इस कार्य में हमारे साथ आगे आए तो हम उनके आभारी रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार।